हेलो गाइस, आपका स्वागत है केंद्र जी ब्लॉग्स में। सो कैसे हैं आप सब भाई, वो आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारे के हैं द्वारका देवी मंदिर, क्योंकि आपको पता है कि हम गांव जा रहे थे, तो आज देखो हम इधर के रास्ते है द्वारका देवी के। सो अभी हम जाते हैं यहाँ से द्वारका देवी, तो दिखाता हूँ आपको, ब्लॉग के एंड तक बने रहे। ये यहाँ से स्टार्ट है मंदिर, ये अंदर जाने का रास्ता है। बाहर पर कुछ शॉप वगैरह, जैसे आप चुन्नी वगैरह कुछ ले सकते। चलिए चलते हैं नीचे। काफी नीचे है मंदिर। नीचे आ चुके हैं, अब नीचे से भी नीचे, और अभी हम नदी में जाएंगे नहाने, स्नान करने जाएंगे हम, क्योंकि हम घर से नहा के नहीं आए। सुबह 4 बजे नहा, सुबह 3 बजे कौन नहाता, आई हम नहीं नहाते। आपको नीचे दुकानें मिल जाएगी बहुत सारी, नीचे नीचे आओगे तो दुकानें हैं, आप उनसे सामान ले सकते हो जगह। और चलते हैं नीचे, आपको मंदिर दिखाते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। चल भाई हूँ, तो चलते हैं अंदर। ये पीपल का पेड़ भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ठंडा पानी भी है, एकदम ठंडा पानी। चलिए यहाँ पे चलते हैं अंदर। नारियल वाले तोड़ना है यहाँ पे, नारियल वाले तोड़ना है। अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं, तो अभी मंदिर पहुँचने के बाद अभी हमें नहाएंगे, क्योंकि हम घर से नहा के नहीं आए। तो यहाँ नदी है, तो जाने वाले हैं नदी में नहाने, तो चलते हैं नदी में नहाने के लिए। चलो भाई देखते कैसा, भाई ठंडा हुआ पानी तो मैं नहीं लाने का, ये तो काफ़ी ठंडा लग रहा है इधर पानी उठाया, पानी तो काफ़ी ठंडा है। चलो तो यहाँ पर 2-4 डुबकी मारते हैं, और चलते फिर मंदिर के अंदर, क्योंकि हमें देर भी हो रही है, क्योंकि घर भी जाना टाइम से। चलते हैं इधर साइड नहाएंगे, क्योंकि इधर साइड में वो गहरा लग रहा है थोड़ा। तो चलिए नहाते हैं। तो ये माँ ज्वालपा का मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। तो मंदिर में तो बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो चुके हैं, तो कैमरा तो अंदर ले जा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जो पूरी वहाँ पुजारी थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते।
तो आपको मैंने बाहर तो दर्शन कराई दिए मंदिर के, कैसा है आप पीछे देख सकते हैं नदियाँ, तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं, नहाने के लिए भी बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर सिद्धपीठ मंदिर। तो आइए यहाँ कभी, ये पार्टी स्टैंड वाली रोड में सतपुली से थोड़ा आगे आगे है, तो बने रहे थोड़ा, भाई कुछ बोलने जाएगा तो मैं बोला जा रहा हूँ। तो मेरे को मंदिर बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पहली बार आ रखा हूँ और आप लोग यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है और आ सकते हैं। मैं तो पहले भी आया था, ये तो पहली बार आ रहा है, मैं तो पहली बार बढ़िया लगा, बोल रहा बहुत अच्छा मंदिर है। और आप यहाँ पूछ भी सकते हैं सतपुली क्या, क्योंकि जलवती देवी मंदिर कहाँ पे, तो लोग आपको बता देंगे कि जलवती देवी मंदिर यहाँ पे, आइए। और पानी में ना ठंड रहा था, पानी में नहीं मज़ा आ गई ना, पानी में मज़ा आ गई, हमें तो लगा था ठंडा होगा पर इतना ठंडा भी नहीं था, मतलब मज़ा आई, बहुत बढ़िया लगा। माता रानी से ये पुकारा कि आपकी भी जो मनोकामना है आप मांगिए और वो पूरी हो। तो चलिए अब चलते हैं घर, अब लेट हो रही है, तो मिलते हैं थोड़े आगे जाके दिखाएंगे आप। तो अभी तो शिवालय में जा रहे हैं, शिवालय वाकाल भैरव मंदिर, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कैसा है। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया से हमने दर्शन कर लिए, और यहाँ पे भैरव का मंदिर है पीछे, और ये है शिव पार्वती गणेश जी का मंदिर, पीछे ही देख सकते हैं आप शिव पार्वती और काली माता का मंदिर, और ये है शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे अभी हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद मिलते हैं, जल चढ़ाने के बाद मिलते हैं आपको। चलो यहाँ पे चले, यहाँ पे शिव जी के मंदिर में भी, और ये सब यहाँ पे बेट वगैरह भी रख दिए, और आज यहाँ बबूति वगैरह सब लगा लिए यहाँ पे, बबूति भी है, और आज यहाँ ढोल ढमक बज रहे क्योंकि आज सोमवार है ना। हाँ तो दिखा दो, आज सोमवार है, तो देखते क्या बज रहे हो, कुछ बजने की आवाज आ रही है, देखते क्या बज रहे हो। की फोटो मिलती है, अंगूठी कड़ी सिंदूर जो भी माता का उसका सामान है सब मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो हनुमान जी के सामने हाथ पांव जोड़ के हम चलते हैं, अभी ऊपर भी जाना है, बहुत ऊपर जाना है, वाया है अभी नीचे, तो चलते हैं फटाफट, दौड़ दौड़ के जाना है, चलो हम आ जाए दौड़ दौड़ के चलते हैं। अभी तो हम नीचे मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं, और बहुत थक लग रही भाई, चढ़ाई बहुत खतरनाक है, और ये हमारी गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, एक के पीछे एक कर दी, वहाँ निकालेंगे कैसे, उम्मीद है कमार भाई, पहले पत्थर हटाना पड़ेगा, पत्थर हटाना पड़ेगा, जा भाई ले। तो एक गाड़ी ऐसा लगा रखी, इसके आगे भी किसी ने गाड़ी लगा दी, इसके आगे भी गाड़ी है, चलो पीछे चलो, पीछे चलो, चलो चलो, जगह है अभी, जगह है, चलो पीछे। तूने पत्थर लगाया क्या? ना, हटा दिए मैंने, हटा दिए मैंने, बा 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 जा बनी, आप घुमाओ, मेरे पास
चलो चलो पीछे जा रही है भाई, क्या करना है हैं हैं वापस गाड़ी निकाल दिया, वहाँ आगे जा रहे हैं, आगे आपको नज़ारे दिखाते हैं।